नमस्कार प्रदेश समाचार न्यूज चैनल से मैं राधा वासने आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं मोहकमपुर गांव में प्रधान जी के साथ उपस्थित हूँ। आज प्रधान जी अपना परिचय दीजिए। मैं ग्राम मोहकमपुर ग्राम सभा मोहकमपुर गढ़ी धनु का प्रधान हूँ। मेरे गांव में गायों की ज़्यादा समस्या है, किसान हर एक किसान परेशान है और जो मेरे यहाँ पर किसानों के धान गर गए हैं उनका कुछ पैसा पैसा नहीं मिला है अभी और जनता बड़ी परेशान है। गायों की बहुत समस्या है और एक महीना तक सरकार ने नहीं सुनी तो किसान चौपट हो जाएगा क्योंकि उसकी बही वही फसल रहेगा सब मारी जाएगी। और जो कोई आप पूछना चाहे सब मुझसे पूछ लो, मेरे यहाँ गायों की यह समस्या है, किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। तो प्रधान जी आपको जनता से क्या समर्थन क्या सपोर्ट मिला? जनता ने मुझसे बड़ी खुश है, जनता ने पूरा समर्थन दिया। इगलास ब्लॉक में मेरा पहला नंबर 300 वोट से मेरी जीत हुई है और जनता मुझे माफिक है और मैं भी जनता के माफिक हूँ। मैं जनता से बहुत खुश हूँ और जनता को मैं काम करना चाहता हूँ। मेरे गाँव में अभी पंचायत में पैसा नहीं है, मैं मजबूर हूँ, खरंजा नाली वही नहीं हुई, मैं उनको करना चाहता हूँ। DM साहब से मैंने कही है कि मुझे मेरी पंचायत में कुछ पैसा भेजा जाए तो मैं कुछ काम करवाऊँ। तो प्रधान जी पंचायत घर में क्या कार्य चल रहा है? पंचायत घर में काम पूरा हो चुका है, कछु रह गया है, पेंट रह गया है, कछु टैल रह गई है, लेटरिन बनवे रह गई है, ये काम बाकी रह गए हैं। प्रधान जी क्या पंचायत घर नया बना है, पहले नहीं था? पहले नहीं था, ये पंचायत घर मेरे चुनाव से पहले 2-3 महीने पहले चालू हो गया था बनने के लिए। अच्छा। आधा मेरे टाइम में बना है, आधा पहले पिछले टाइम बना है। तो कितने कमरे वगैरह में तक क्या व्यवस्था क्या क्या बनवाया है? इसमें एक हॉल है, एक बरामदा है, एक लेटरिन का कमरा है, एक दूसरा निकासी का कमरा है। भाई इतना ही बड़ा हॉल है, काम अभी चल रहा है उसमें, थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे चल रहा है, पेंट वेंट होना है। तो प्रधान जी यहाँ स्कूल कितने तक है? स्कूल 1 से लेके 8 तक है। अच्छा, तो कुछ इंटरलॉक वगैरह कराई है स्कूल में? स्कूल में पैसा ही नहीं है तो बजट नहीं है तो कहाँ से करवाया जाए। अच्छा, ग्राम पंचायत में बजट नहीं है, मैं परेशान हूँ, मैं ठेकेदार लाता हूँ, पैसे ही नहीं है। मैंने DM से शिकायत करी है और BDO साहब से कही है और उच्च अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी से बात करी है कि मेरी ग्राम पंचायत में पैसा भेजा जाए, मैं काम करवाऊँ कल कायाकल्प। बाउंड्री होनी है, बोनी स्कूल की कोई दशा पड़ी गई है, नीलाम हो गए 2 कमरे, अभी कोई बनाने कोई नहीं, वो उठा ही नहीं है अभी तो। और स्कूल की बहुत बेदशा हो रही है, पशु उसमें रात को रहते हैं, दिन में निकल जाते हैं, गोबर वगैरह करते हैं, बाउंड्री नहीं है उसकी और परेशानी बिना पैसा के, पैसा नहीं है क्षेत्र गाँव में पंचायत में। तो सिर्फ ये पंचायत घर में कार्य चल रहा है और कहीं नहीं चल रहा? और कहीं काम नहीं चल रहा। तो मनरेगा में क्या चल रहा है? मनरेगा में थोड़ा काम चल गया है, कुछ बाद वाली पोखर पे चलवाएंगे। हाँ, अब ये फसल बोई गई है नहीं, इस वजह से काम रुका हुआ पड़ा है। तो कितने मजदूर काम कर रहे थे मनरेगा में? मेरे यहाँ 50-60 मजदूर काम कर रहे हैं, 125 तक मजदूर, 125 तक कर रहे हैं। तो प्रधान जी वैक्सीन वगैरह हो गई है ना हुई अभी? वैक्सीन हमारे यहाँ हो गई है, मुश्किल से 2% वैक्सीन लगी होगी। अच्छा। बस नहीं, हाँ बहुत पर वैक्सीन है, सबके हो गई है वैक्सीन, सबके हो गई। और ममता कुमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे आंगनबाड़ी हैं। अच्छा। और आशाएं सब ने मिल के जुल के, सब ने प्रधान ने और डीलर ने सब ने मिल के सब वैक्सीन लगवाई हैं, सब काम बढ़िया चल रहा है। तो राशन डीलर कैसा बांट रहे हैं? राशन डीलर अच्छा बांट रहा है, हमारे यहाँ बढ़िया काम हो रहा है। तो आपकी निगरानी में बट रहा है? हाँ जी, मेरी निगरानी में बट रहा है, मास्टरों की निगरानी में बट रहा है, सही काम हो रहा है। तो प्रधान जी मिड डे मील का जो खाना बनता है वो आपकी देखरेख में है या नहीं है? जी मेरी देखरेख में बन रहा है, खाना बहुत गुड है। मैंने और स्कूलों में दराफत करी है, मेरे गाँव में 80-85 बच्चे हैं और सबसे अच्छा बेहतरीन खाना मेरे यहाँ से अच्छा नहीं बनता है। मेरे मास्टर और एक मास्टर नहीं है, वो बड़े बेहतरीन पढ़ाई कर रहे हैं प्राइमरी में। अच्छा। स्कूल में जूनियर स्कूल में 2 मास्टर नहीं है, विज्ञान का गणित का मास्टर नहीं है, मैं परेशान हूँ। मैं DM साहब से शिकायत करी है, विकास अधिकारी से शिकायत करी है और आगे मैं लिख के ले जाऊँगा कि 2 बच्चे के जीवन खराब हो रहा है, जूनियर स्कूल में 2 मास्टर नहीं है। तो प्रधान जी फिर आज क्या बनाता खाने में? आज तो पहले फलहार दिया है, केला है और फल हैं वो दिया है और आज है उनको ये बामे सबको दही होगी।
केला फूक चलता है सुबह, तो केला फूक चलता है, एक दिन दूध चलता है, एक दिन दूध लेते हैं, एक दो दिन ऐसा लेते हैं, फिर दलिया है, चावल है, किसी दिन खीर पूड़ी बना लेते हैं, जिनकी इच्छा आती है सो बनाते हैं। नहीं, वो से समस्या हमारी प्राइमरी स्कूल में बहुत बढ़िया काम चल रहा है। तो कितने बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल में? प्राइमरी स्कूल में 80-90 बच्चे हैं। 80-90? हाँ जी, 90 बच्चे हैं, और उसमें 30-40 बच्चे हैं जूनियर में। अच्छा, तो वैसे लाइफ स्कूल में, वैसे टॉयलेट वगैरह, लैट्रिन वगैरह व्यवस्था कैसी है, पानी वगैरह, शौचालय वगैरह क्या है? सब ठीक है, शौचालय चालू करा दीजिए, सब चीज़ सब सुविधा है, पानी वगैरह है, टंकी है, पानी है, सारी सब सही है, सब सही है। और प्रधान जी, और कोई किसी से शिकायत हो तो आप बता सकते हो? हमें मूल शिकायत ये है कि हमारे यहाँ पशु परेशान कर रहे हैं, गायें सांड हैं, ये शिकायत है हमारी सबसे बड़ी शिकायत यही है। हम DM साहब से दो बार कहते हैं, ADM साहब से कह चुके हैं, और उच्च अधिकारियों से कह रहे हैं कि ये हमारे इंतजाम इस महीने में हुआ तो हमारा किसान चौपट हो जाएगा। सही बात है आपकी। फिर क्या कह रहे हैं DM साहब? DM साहब जो कह रहे हैं कि नज़दीक पशुशाला हो, कोई गौशाला हो, वहाँ भिजवा दो। अच्छा, तो हम सलाह कर रहे हैं। है पास में कोई गौशाला? पास में नहीं है कोई गौशाला। अच्छा, फिर क्या सोचा था आपने? अब देख रहे हैं, गांव की पंचायत करेंगे, वहाँ में निर्णय लेंगे, उसके भी गांव के निर्णय देंगे, वो देंगे। अच्छा अच्छा, तो प्रधान जी आप क्या गांव के प्रधान हो? हम दो गांव के प्रधान हैं जी। दो गांव के? गढ़ी धनु मोहकमपुर। अच्छा, तो गांव की जनसंख्या कितनी होगी? हमारे गाँव की जनसंख्या 5,000 होगी। 5,000? तो कितने महिला कितने पुरुष होंगे? ये तो गिनती नहीं करी है मैंने, परंतु बराबर ही होंगे। बराबर कैसे हो जाएंगे? बच्चे ज़्यादा होंगे। हाँ, तो महिला पुरुष भी नहीं बराबर हो सकते? हाँ, नहीं हो सकते, इतनी मेरी गिनती नहीं करी है, मुझे गिनती नहीं करी इसका। हाँ, अंदाज से बता रहे हैं, मैं गिनती नहीं। तो वृद्धाओं की संख्या कितनी होगी? वृद्धाओं की संख्या करियर गिनती से बताऊँ क्या? सब कुछ बता दूँ, बताओ। करीब 20% तो प्रधान जी, आपने वृद्धा विधवाओं के कुछ फार्म वगैरह भरवाए या नहीं भरवाए? ये फार्म भरवाए, वहाँ पे हम विकास अधिकारी के रहें, वहाँ की सब फार्म को भरवा दो, उन्हें ऑनलाइन करवा दिए, फार्म बन के आ रहे हैं, और पटवारी साहब आय प्रमाण तो बनाते हैं, और पैसे का काम चल रहा है। तो कितने फार्म भरवा चुके हो आप? करीब 50 फार्म भरवा चुके हैं। तो कुछ पेंशन बन के आई या नहीं आई? जी आई हैं, कुछ आई हैं, कुछ बनी हुई बाकी हैं। तो वृद्धाओं की या विधवाओं की, दोनों की हैं? वृद्धाओं की या विधवाओं की है, विधवा कम है, वृद्धा ज्यादा है। वृद्धा ज्यादा है जी। तो वृद्धा की कितने साल पर पेंशन बनती है? 60 साल पे, 60 साल से ऊपर है वृद्धा की पेंशन। अच्छा, कुछ विकलांग की भी बनवाई है क्या आपने? विकलांग की अभी नहीं है, हमारे 2-4 आदमी है विकलांग की, बनी हुई है पेंशन पहले से बनी हुई है। इक्का दुक्का कुछ बढ़ा हुआ, विकलांग ऐसे ज्यादा है नहीं। अच्छा, इक्का दुक्का रहेगा, बन रही है तो पुरानी बनी हुई है, अभी तो फिलहाल नहीं है कोई। तो कितनी परसेंट पे होना चाहिए विकलांग सो पेंशन बन जाए उसकी? विकलांग कैसे नहीं समझ आई, बता कितना परसेंट विकलांग होना चाहिए सो पेंशन बन जाए उसकी? 50% विकलांग होना चाहिए। 50 तो होना चाहिए, 50% विकलांग होना चाहिए उसकी पेंशन बननी चाहिए। और कुछ प्रधान जी, और कोई शिकायत हो किसी से तो आप बता सकते हो? शिकायत कुछ नहीं है। अच्छा, कोई ऐसी खास शिकायत नहीं है। आपने वृक्षारोपण कराया? जी कराया है। कितने पौधे लगवाए थे? करीबन 1,000 एक बार लगाए। अच्छा, 300-400 एक बार लगाए, पौधा कुछ बहाल हुए, कुछ मारे गए, गईयों गईयों स्कूल में लगाए, गईयों ने नष्ट कर दिया। अच्छा अच्छा, तो कुछ पौधे जीवित हैं नहीं है? हाँ जीवित है, ये सामने वाले जीवित। अच्छा, तो वैसे तो कोई परेशानी नहीं, शमशान वो शमशान घाट वगैरह सब कम्प्लीट है? शमशान हमने चाह रहे हैं, हमने कही है शमशान की। हाँ, हमारे गांव में 3 शमशान हैं। अच्छा, उनको वहाँ के लिए पैसा मंजूर हो गया, हो जाएगा तो बन जाएंगे। अच्छा, 3 शमशान हैं हमारे गांव में, शमशान के लिए हमने कही है, यहाँ से 3 किलोमीटर जाना पड़ता है। प्रस्ताव भेजा है, पास हो जाए तो ठीक है। प्रधान जी, जब आने वाले चुनाव 6 महीने में जो चुनाव आ रहे हैं, आपकी क्या तैयारियाँ चल रही हैं? चुनाव की तैयारी चल रही है साहब, बहुत बढ़िया चल रही है सर, वोट लिस्ट बन रही है, मास्टर घर घर वोट लिस्ट बना रहे हैं। तो किसको वोट दोगे? वोट तो जैसा जनता के ऊपर है, जनता इसको खुश होगी उसी को वोट देगी, अच्छा काम करेगा उसको देगी, तो जनता के ऊपर है। तो आपकी क्या राय है इसमें? मैं तो ये है कि जनता के संग हूँ, जनता देगी उसी के साथ मैं चलूँगा, मैं जनता बंधी हुई है, मैं जनता से बना हुआ हूँ। सही बात है, मैं जनता से, जनता ने मैं चुना हूँ,
तो मैं उनकी बात को सब चीज करने को तैयार हूँ। धन्यवाद प्रधान जी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।